ऑल इन वन पीसी, HP का ऑल इन वन पीसी आएगा। इस ये आपके घर में सबसे कम पेस लेगा, ये डेस्कटॉप के जैसा ही है, बस इसमें स्पीकर से लेके सारे फीचर्स आपको इंटरनल मिलेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका C020 मॉडल का पूर्ण अनबॉक्सिंग, एंड इसमें आपको क्या क्या कंटेंट आएगा, इसके अंदर आपके पीसी के ऊपर कौन कौन सा सपोर्ट है, कौन कौन से सपोर्ट है, डिस्प्ले कितना आएगा, कीबोर्ड माउस कैसा आएगा, वायर्ड आएगा कि नहीं आएगा, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल का है या कोई और है, ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियोज़ में बताऊँगा। चलो तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका सिमिलर मैं आपको 4 से 5 मॉडल बताऊंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे सस्ता 21K बिलो से लेके 50 या 60K तक आपको सारे मॉडल सिमिलर इसी लुक में आएंगे या इसी कलर में भी अवेलेबल है आपको। बस इसमें कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा चेंज आएगा और आपको कीबोर्ड माउस में और स्क्रीन साइज में थोड़ा थोड़ा चेंज नज़र आएगा, लेकिन अगर आप लुक वाइज देखते हैं तो सेम ऐसा ही आएगा। ये इसका बैक स्टैंड है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस स्टैंड पे अपना ये पूरा खड़ा हो जाता है। तो उसमें 2 बॉक्स इंक्लूडेड है, एक बॉक्स में आपका ये कीबोर्ड है शायद, हाँ राइट, इस एक बॉक्स में आपका एक कीबोर्ड है, और मैं यहाँ से अभी सेकेंड बॉक्स निकालूंगा। सेकेंड बॉक्स में आपको बाकी के कंटेंट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइक आपका मे भी उसमें चार्जर का एडेप्टर होगा या एक माउस होगा, हम जैसे देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है, वायरलेस माउस, कीबोर्ड और ऑल दैट थिंग। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम अभी क्या है। तो इसमें है आपको सबसे पहले तो मैनुअल आ रहा है, सेटअप इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में आपको ये वायरलेस माउस, बट देट इज़ नॉट कि आपको सब में ही वायरलेस माउस आएगा, इसमें जो बाकी मॉडल्स है उसमें वायर्ड माउस और वायर्ड कीबोर्ड है, बस यही एक दो मॉडल है जिसमें आपको वायरलेस कीबोर्ड और माउस आ रहा है। सो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नहीं तो आपको पता चले कि 21K में डेस्कटॉप में आपको बताया था वायरलेस और आ गया वायर्ड, तो ऐसा नहीं है। आपको जो लिंक दिया हुआ वो लिंक में आप पूरा चेक कीजिएगा। ये इसका एडेप्टर को कनेक्ट करने के लिए पावर कॉर्ड दिया हुआ है, ये इसका 75 वोल्ट का एडेप्टर रहेगा, जिसके जो दोनों को कनेक्ट करते ही आपका पीसी स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो ये जी आपको आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में पूरा समझ में आ गया। ये देख लीजिए माउस, सॉरी कीबोर्ड, बहुत ही प्यारा लुक के साथ आ रहा है। तो इसको साथ साइड में रखते हैं और अभी देख लेते हैं इसका पूरा पीसी। चलो ओपन कर लेते हैं इस ऑल इन वन पीसी को। ये ऐसे ही कैरी बैग पैकिंग में आएगा, जैसे हम अभी हमने अभी फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम नीचे के बार में आपको दिख रहा है डॉट डॉट, इस पूरा स्पीकर आएगा, फुल पे स्पीकर है, मतलब आपको इसको एडिशनल स्पीकर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। एज यूजल HP का सबसे सुंदर लोगो ये आपको टोटल, अगर आपको इसका स्क्रीन साइज़ देखेंगे, ऊपर आपको कैमरा दिया हुआ जिसमें सेंसर भी है, फेस डिटेक्शन, वाइड एंगल कैमरा है, और अगर आप जो वीडियो चैटिंग करेंगे तो स्पीकर हेडफोन्स लगाने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको स्पीकर रिसीवर माइक भी दिया हुआ है साइड में। अगर हम इसका डिस्प्ले देखेंगे तो 19.45 इंच का डिस्प्ले, इसका बैक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जैसे आपके घर में फर्निशिंग रहता है, फर्नीचर वगैरह रहता है, इस साइड में आपको ये DVD राइटर दिया हुआ है। अगर नीचे हम एक एक पोर्ट देखें तो 4 USB दिए हुए, 2 USB ए साइड में, 2 USB ओ साइड में, बीच में आपको इसका लैन के लिए RJ45 का पोर्ट दिया है, ये सेंटर का आपको पावर एडाप्टर के लिए आएगा, बाजू में 2 USB और HDMI, अगर आप हेडफोन या कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो साइड में दिया हुआ है। तो इसका पूरा 19.45 इंचेस, मतलब ऑलमोस्ट 20 इंचेस का डिस्प्ले है, जो मैं मॉडल आपको बता रहा हूँ वो C020 आपको i3 में आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कैसा है। इसमें जो मैं मॉडल आपको लिंक में दिया हूँ वो बोथ साइडेड है, मतलब बोथ दोनों इसमें आएंगे, आपको विंडोज़ में भी आएंगे और विंडोज़ 10 में भी आएंगे। जो डॉस मॉडल है
उसको आप उसमें आपको इंडस्ट्रियन लोड करवाना होगा। जैसे ये C0 to 0 मॉडल, ये डॉस मॉडल है, सबको आपको इस नीचे से ही स्पीकर के नीचे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करना है। 19.45 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले के साथ आ रहा है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे LED ब्लिंक होगा। तो चलो ये स्टार्ट हो गया। इसमें आपको देखिए, ये डॉस बेस मॉडल है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका HP का लोगो आएगा। फिर आपको इस को बूट करके आपको विंडोज 10 या वट एवर जो भी आप डालना चाहे उसका सेटअप कर सकते हैं। तो सब 3 4 5 जितने भी मॉडल्स हैं सबका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने मेरे वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप एक एक मॉडल को चेक कर लीजिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर सकते हैं और अपना डेस्कटॉप अवेल करा सकते हैं। इसमें आपको मैंने 21K से बिलो से 21,000 के बिलो से लेकर 60,000 तक के सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज है, सो केयरफुली आप देख लीजिए और आपको जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट आता है वो ले लीजिए। आपको सब लिंक के हिसाब लिंक में आपको सब डिटेल मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो के अंदर अगर आपको कोई कोई भी बात लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं।